हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हाशमी को एक माह कैद की सजा सुना दी गई है। तोहीने अदालत केस था जिस पर निहाल हाशमी, उन्हें एक माह की कैद सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुना दी है। तोहीने अदालत केस में निहाल हाशमी, उन्हें एक माह की कैद सुनाई गई है और निहाल हाशमी की माफी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। उनकी जानिब से माफी की दरख्वास्त दायर की गई थी लेकिन उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीनी अदालत का मुर्तकिब ठहराया है और इसी के पेश नज़र एक माह की कैद उन्हें सुना दी है। उनकी जानिब से माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की गई थी लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत केस में एक माह कैद की सजा सुनाई है। निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार पाया है और पुलिस ने निहाल हाशमी को हिरासत में भी ले लिया है। ये ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। तोहीन अदालत केस था जिसमें निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुनाई गई है और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। उनकी जानिब से माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई थी लेकिन उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, उन्हें तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया और एक माह की कैद सुनाई गई जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने निहाल हाशमी को हिरासत में भी ले लिया है। तोहीन अदालत केस था जिसमें निहाल हाशमी जिन्हें तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए एक माह की कैद सुनाई गई है और उसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। इसी पर बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, निहाल हाशमी को हिरासत में भी ले लिया गया है क्या? पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने तोहीन अदालत केस का फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी की गैर मशरूत माफी जो है वो मुस्तरद कर दिया है और उन्हें एक माह सजा का हुक्म सुना दिया गया है और अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है आईन के आर्टिकल 204 और तोहीनी अदालत कानून के तहत। और ये भी कहा गया है कि इस अदालती फैसले के बाद निहाल हाशमी 5 साल के लिए असेंबली या सेनेट के रुकने से भी नाअहल हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आप आगाह कर रहे थे तोहीनी अदालत के जिसमें निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीनी अदालत का मुर्तकिब करार दिया है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि निहाल हाशमी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तोहीनी अदालत केस था जिस पर निहाल हाशमी की जानिब से माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की गई लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए निहाल हाशमी को तोहीनी अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया और इसके साथ साथ एक माह की कैद सुनाई गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला महफूज किया जिसे पढ़कर सुनाया गया और जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने फैसले से इख्तलाफ किया है, ये खबर भी सामने आ रही है। तो फैसला आया है जिस पर इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं लेकिन निहाल हाशमी को एक माह की कैद की सजा सुनाई गई है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है। निहाल हाशमी जिन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। तोहीन अदालत केस था जिस पर फैसला महफूज हुआ और अब ये फैसला सुना दिया गया है। तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया है निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और पुलिस ने निहाल हाशमी को हिरासत में भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है और इसके साथ साथ आपको बताएं कि निहाल हाशमी अदालती फैसले के बाद 5 साल के लिए नाअहल भी हो चुके हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया जबकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने फैसले से इख्तलाफ किया है। तोहीन अदालत केस था जिस पर निहाल हाशमी को बताया जा रहा है कि एक माह कैद की सजा सुनाई गई है और जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद पुलिस ने निहाल हाशमी को हिरासत में भी ले लिया। निहाल हाशमी जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी माफ़ी की, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और इसके साथ साथ उन्हें तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए एक माह कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। पुलिस ने निहाल हाशमी को हिरासत में ले लिया है और एक माह की कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। 5 साल के लिए नाअहल भी हो चुके हैं निहाल हाशमी, अदालती फैसले के बाद 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया जिस पर बताया जा रहा है कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील,
सुनाएगा निहाल हाशमी, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने इस फैसले से इख्तलाफ भी किया है। तो क्या खबरें हैं, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हाशमी को अदालती हुक्म के बाद हिरासत ले लिया गया है, सिर्फ उन्हें सजा सुनाई गई है महीने के लिए, जो कि एक सिंबॉलिक सजा होती है। तो इन्हें अदालत के केसेस में कुछ बड़ी सजा नहीं होती, लेकिन इसके जो लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये बड़े सख्त होते हैं। और इसी नतीजे की रोशनी में 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए हैं, यानी उन्होंने अदलिया की तस्दीक की है। इस फैसले में ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि निहाल हाशमी ने अदलिया की तोहीन और तस्दीक की है, इसलिए वो रुकन पार्लियामेंट रहने के अहल नहीं है, इसलिए वो 5 साल अब रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकते। यूसुफ रजा गेलानी की तर्ज पर तोहीन अदालत की ये सजा दी गई है, अगरचे उनकी सजा चंद सेकंड की थी, लेकिन ये सजा 1 महीने कैद की है और इसके साथ 50,000 रुपए जुर्माना भी उन्हें अदा करना होगा और इसके साथ 5 साल की नाअहली भी भुगतनी होगी। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने जो है इस पर इख्तलाफ किया है, ये फैसला 2-1 से आया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला 9:30 बजे सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि निहाल हाशमी जो है ये तोहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, धमकियां दी गई हैं, जो पैनामा GIT की प्रोसीडिंग के दौरान उसमें अदालतों को, जज साहिबान को और अदालती जो मामलात हैं, अहकाम हैं, उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई है, इसलिए निहाल हाशमी को जो आइन का आर्टिकल 204 है इसके तहत तोहीन अदालत सजा सुनाते हुए 1 माह कैद, 50,000 रुपए जुर्माना और 5 साल की नाअहली की सजा सुना दी गई है। जी ठीक है अदील, ये बताइएगा कि 1 माह कैद की सजा सुनाई गई है, तो क्या कुछ इस तरह से हो सकता है कि कोई मतलब सॉफ्ट कॉर्नर हो या किसी तरह से 1 माह कैद की सजा जो है वो पूरी ना कर सके, इस तरह से कोई आर्टिकल्स में या कानून में कोई इस तरह से चीज़ मौजूद है कि वो 1 माह कैद पूरी ना करें? जो कंटेनर होता है जब उसको सजा सुना दी जाती है तो ये बेसिकली एक ऐसा जुर्म होता है जो अदालत के और मुजरिम के दरमियान होता है मामला, और इसमें ज्यादातर केसेस में ये होता है कि मुआफी मांग लेने से मामला खत्म हो जाया करता है, लेकिन ये अपनी नोयत का ऐसे बहुत कम केसेस हैं कि जिसमें मुआफी मांग लेने के बाद वो मुआफी नामा मुस्तरद कर दिया गया और अदालत सजा सुना दे, और इसके बाद जो ऑप्शन रहता है वो सिर्फ नजरसानी दरख्वास्त का ऑप्शन होता है। सिर्फ उसी सूरत में ही ये सजा रुक सकती है कि जब उस नजरसानी दरख्वास्त में इस सजा पर अमल दरामद पर स्टे भी मांगा गया हो, और वो स्टे ही उसको रोक सकता है, लेकिन इस तरह के केसेस में बजाहिर ऐसा बहुत कम नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस मुतमईन नहीं है, अगर या 2 जजेस मुतमईन नहीं है और ये कह देते हैं कि इन्होंने तोहीन अदालत की है, तो ऐसी सूरत में इस जो अपील दायर करने का जो मौका होता है वो भी 1 माह के लिए होता है, यानी जितनी देर में वो अपील दायर करेंगे उतनी देर में वो अपनी बहुत सी सजा का हिस्सा काट चुके होंगे, तो ऐसी सूरत में सजा माहिरीन कहते हैं मैटर नहीं कर रही होती। जो चीज एस्टैब्लिश हो जाती है कि ये कंटेनर है, ये तोहीन अदालत का मुर्तकिब है, उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो नाअहली की सूरत में जब नजर आते हैं असल इंपैक्ट वो होता है, और उस सूरत में वो अपील और नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अब कोई फोरम भी नहीं बचा, क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान में उसके जज साहिबान ने सजा सुनाई है, और इसमें नजरसानी जो दरख्वास्त होती है वो भी सेम बेंच सुन सकता है और सेम वकील जो है उन्हें ही दलाइल देने पड़ते हैं। जी ठीक है अदील, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अभी हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके टाइम का। फवाद साहब, फैसला आ गया है और निहाल हाशमी को 1 माह कैद की सजा सुनाई गई और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए उन्हें नाअहल भी करार दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे आप? मेरा ख्याल बड़ा मुनासिब फैसला है, इसकी वजह यह है कि निहाल हाशमी ने जो तकरीर की थी उसका एक अदालत के जजेस के साथ से ज्यादा जो सिस्टम है उसको उन्होंने थ्रेट किया था, और जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम आपको मिसाल बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो बराह रास्त धमकियां दी थी उन्होंने GIT को, और उसी उसको जरूरी था कि उसके ऊपर एक सख्त एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट देती, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुनासिब एक्शन दिया है, और जिस तरह से आप वाजिद जा साहब को धमकियां दी जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि प्रिविलेज कमेटी में उनको तलब करवाया है इन्होंने कैप्टन सफदर ने, तो इससे मिसाल बनेगी
कैप्टन सफदर जैसे लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो मुसलसल तोहीन अदालत में मुलव्वस है कि वो एहतियात से काम लें। ठीक है, यानी फवाद साहब आप सेटिस्फाइड हैं इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के? मेरा ख्याल है कि मुनासिब फैसला है, ज्यादा सख्त भी हो सकता था लेकिन बाहर चले सुप्रीम कोर्ट की अपना एक उनका एक विजडम है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है तो उसको यकीनी तौर के ऊपर दुरुस्त फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे पीटीआई के रहनुमा और उनका ये कहना था कि ये बहुत मुनासिब फैसला है। इसके साथ साथ आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर ये मनासिर भी देख सकते हैं, तोहीन अदालत केस जिसमें निहाल हाशमी को एक माह कैद की सज़ा सुनाई गई है और निहाल हाशमी जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया, एक माह कैद की सज़ा सुनाई और उसके बाद ये बताया गया कि निहाल हाशमी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ये मनासिर हैं जो आप दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं, निहाल हाशमी जिन्हें तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए एक माह कैद की सजा सुनाई गई थी और पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी की तकरीर पर तोहीन अदालत का यह फैसला किया है और इसके साथ साथ 5 साल के लिए उन्हें नाहल भी करार दिया गया है। निहाल हाशमी जिनकी जानिब से माफी की दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा भी सुना दी है। इसके साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। अदील ये बताएगा कि मनाजिर हम देख सकते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अदील से हम बात करने की कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन को हम बताएं कि तोहीन अदालत केस में निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुनाई गई है और इस फैसले के बाद 5 साल के लिए उन्हें नाहल करार दिया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने महफूज फैसला जो है वो पढ़ के सुनाया। आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके टाइम का। बताइएगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है, निहाल हाशमी को एक माह कैद की सजा सुनाई गई है, 5 साल के लिए उन्हें नाहल करार दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखें, उस वक्त तो ये बड़े तारजन बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सबको एहतराम होता है, कोई शख्स सवाए नवाज शरीफ के उसके खिलाफ तू मैं नहीं कर सकता। ये तो बर्तन प्लीट करने जाएगा वैसे ही एक महीने के लिए, इसको कहीं उधर तंदूर पे लगाना चाहिए ताकि और इसका रंग जो है वो जरा और उसमें बेहतरी और रुनुमाई आ जाए। तो मेरा ख्याल है सजा का मतलब उन्होंने यही दिया कि आपने बड़ी गैर जिम्मेदारी, और ये एक नया फैशन है कि मेंबरान असम्बली जो है वो जजेज और अदलिया की तोहीन कर रहे हैं, सो ये बड़ी तोहीन अमेज एक फिजा बन चुकी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लागू किया, बेहतर किया, सजा थोड़ी है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, लाइन पे मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उससे सेटिस्फाइड है लेकिन उनका ये भी कहना था कि सज़ा जो है वो थोड़ी सुनाई गई है। तोहीन अदालत केस जिस पर निहाल हाशमी को एक माह कैद की सज़ा सुना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया, उनकी जानिब से माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की गई लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया और एक माह कैद की सज़ा सुना दी गई। निहाल हाशमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ताज़ा तरीन इतलात ये भी सामने आ रही है। तोहीन अदालत जिसका मुर्तकिब करार दिया गया निहाल हाशमी को जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने महफूज फैसला पढ़ के सुनाया और जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने फैसले से इख्तलाफ भी किया। इसी तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताइएगा, एक माह कैद की सजा दी गई है, हिरासत में भी लिया गया है निहाल हाशमी को, उन्हें कहां मुंतकिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ जो इस्लामाबाद पुलिस है थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने अदालती फैसले के बाद निहाल हाशमी जो कि कमरे अदालत में मौजूद थे और अदालत ने उनकी हाजिरी के हवाले से ये यकीनी भी बनाया कि निहाल हाशमी अदालत में मौजूद हैं या नहीं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यहाँ से उन्हें थाना सेक्रेटेरिएट जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया था और निहाल हाशमी ने 24 जनवरी को ही अदालत उज़्मा के सामने अपनी गैर मशरूत माफी जो कि अदलिया मुखालिफ उनकी तकरीर थी इस हवाले से जमा कराई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गैर मशरूत माफी को जो है वो मुस्तरद किया है और उन्हें एक माह कैद की सजा सुनाई है। और तोहीन अदालत की सजा के बाद निहाल हाशमी जो है वो 5 साल के लिए सेनेट या असेंबली रुकनियत के लिए भी नाअहल हो गए हैं। ये वही सजा है जो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी सुनाई गई थी और वो भी 5 साल जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 204 और तोहीन अदालत के कानून 2003 के तहत निहाल हाशमी को ये तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है और 50,000 रुपए जो है वो जुर्माना भी किया गया है अदालत की जानिब से
2-1 के तनासब से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मकबूल बाकर ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है, जबकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने अदालती फैसले से इख्तलाफ। ठीक है इमरान, जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने फैसले से इख्तलाफ किया है तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या वो खामोश रहे या उनकी जानिब से कोई बयान भी सामने आया है? देखें जब अदालती फैसला पढ़ा जाता है कमरा अदालत में जो महफूज किया जाता है, तो जो अक्सरियती फैसला होता है वही कमरा अदालत में पढ़ा जाता है, और जो जज भी फैसले से इख्तलाफ करता है वो कमरा अदालत में अपना जो इख्तलाफी नोट है वो नहीं पढ़ता, बल्कि जो अक्सरियती फैसला होता है वही कमरा अदालत में पढ़ा जाता है। लेकिन हमने एक मिसाल जरूर देखी है कि पनामा केस का जब 20 अप्रैल 2017 को फैसला सुनाया गया था, 3 जजेस ने GIT बनाने का हुक्म दिया था और जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसले से इख्तलाफ किया था और इख्तलाफी नोट लिखा था और वजीर आजम को नाहल करार दिया था नवाज शरीफ को, लेकिन उनका इख्तलाफी जो फैसला था वो भी कमरा अदालत में पढ़ा गया था। अब जो जस्टिस दोस्त मोहम्मद का इख्तलाफी नोट है वो कमरा अदालत में नहीं पढ़ा गया, बल्कि सिर्फ जो अक्सरियती फैसला है जिसमें निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, सिर्फ वही फैसला पढ़कर सुनाया गया। ठीक है इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे, तोहीन अदालत केस थे जिस पर निहाल हाशमी को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी जिनकी जानिब से माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई उसे मुस्तरद करते हुए उन्हें तोहीन अदालत का मुर्तकिब भी करार दिया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि निहाल हाशमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट जिसकी जानिब से 24 जनवरी 2018 को फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है, जिस पर बताया जा रहा है कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने इस फैसले से इख्तलाफ भी किया है। उन्हें 1 माह कैद के साथ साथ 50,000 रुपये जुर्माना भी उन पर आयद किया गया है। यह मामला है जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं, तोहीने अदालत केस है जिसमें निहाल हाशमी को आज सजा सुना दी गई है। निहाल हाशमी को 5 साल के लिए अदालत की जानिब से नाअहल करार दिया गया है, जबकि उन पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके साथ निहाल हाशमी को 1 माह कैद की सजा भी सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इस अहम केस की समाप्त हुई है और ये महफूज फैसला जो कि 24 जनवरी 2018 को महफूज किया गया था वो आज सुनाया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया है, जबकि इस फैसले से जस्टिस दोस्त मोहम्मद की जानिब से इख्तलाफ किया गया और लेकिन 2-1 के तनासुब से ये आज फैसला सुनाया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं जिन्होंने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है और साथ ही साथ उनको सजा भी सुना दी है। तोहीन अदालत केस की आज समाप्त हुई है। फैसला 24 जनवरी 2018 को ही महफूज कर लिया गया था और आज महफूज फैसला पढ़कर सुनाया गया जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से, जिसके बाद 2-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया और इस फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस बाकर ने निहाल हाशमी के खिलाफ ये फैसला दिया, जबकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने इख्तलाफ किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद निहाल हाशमी को 1 माह कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। ये मनासिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के ये मनासिर है अहाता अदालत के, जहां से निहाल हाशमी को हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से, जिसके बाद उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है और इसके अलावा जहाँ पर 1 माह कैद की सजा सुनाई गई निहाल हाशमी को, वहीं पर उन्हें 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। यानी कि निहाल हाशमी अब 5 साल के लिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, अदालत की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ अदालत की जानिब से उन पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को तोहीन अदालत का आज मुर्तकिब करार दे दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर निहाल हाशमी को तोहीन अदालत केस में 1 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके टाइम का। बताइएगा किस तरह से ये फैसला आप देख रहे हैं और ये भी बताइएगा कि क्या ये फैसला दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल बनेगा? ये फैसला ये तो तीन चार महीने पहले की बात है, मुकदमा चल रहा था उसका अल्टीमेट फैसला हुआ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अदलिया को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बदनाम करना शुरू किया, चंद ही इदारे पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट है, उसमें अदलिया इंडिपेंडेंट है, फौज इंडिपेंडेंट है, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने इन दोनों इदारों को
बदनाम किया और जलील करने की कोशिश की, तो उसके एतबार से ये काम शुरू निहाल हाशमी ने किया था। मैं समझता ये हूँ कि इससे बहुत ज्यादा, और लोगों ने भी कहा है, उन सबको अदलिया ने